तो बेसिकली मैं आया हूँ हुंडई आयोनिक 5 इंडिया अनवील और लखनऊ एयरपोर्ट पे हमारी गाड़ी आ गई। नहीं ये नहीं, ये वाली अलग लेवल कमोशन है। यहाँ पे मैं आया हूँ कुछ खाने, ब्लैक स्कॉर्पियो, ब्लैक एंडेवर, ब्लैक हेक्टर। तो हम एक्चुअली चला रहे हैं स्कोडा कुशाक मोंटी कार्लो और उसके राइवल्स सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो वो रही क्रेटा, उसके सामने है मारुति ग्रैंड विटारा, वो रही हाई राइडर, वहाँ पे फोक्सवैगन टिगुआन, एस्टर भी यही है, सब गाड़ियां यहाँ पे हैं। कोई कर रहा है महा कंपैरिजन, लेट है। कैमरा की लेंस लेने में यहाँ पे आया हूँ दादर। ओ माई गॉड, क्या फिश मार्केट है, नेक्स्ट लेवल। इससे ज्यादा नैरो पार्किंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी, मतलब इतनी नैरो है ना, कैसे बनाते और क्यों बनाते मुझे समझ ही नहीं आता कि गाड़ी ऑलमोस्ट एक ना एक जगह से लग रहा है टच हो ही जाएगी। और ये तो छोटी सी चिंटू मिंटू गाड़ी कुशाक है, इमेजिन अगर GLS लेकर आ गया तो क्या हालत होगी। तो बेसिकली आज हम पूरे बॉम्बे दर्शन इसलिए करे थे कि कैमरा लेना था, कैमरा एक्चुअली ले लिया था, वो हमें पिकअप करना था। दिस इज दी सोनी अल्फा 1, इट इज सोनीज फ्लैगशिप मिररलेस कैमरा, तो बहुत महंगा भी है, बट उसकी स्क्रीन है ना बाहर नहीं निकलती, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेंस इनकी फ्लैगशिप 50mm जी मास्टर लेंस है, सो सुपर डुपर ऑसम क्वालिटी एंड गो टू लेंस ये, क्योंकि सब पैसे इसमें खर्च हो गए थे ना, तो सबसे सस्ती वाली लेंस ले ली है। क्या बोलते हैं 1728 टैमरॉन, एक्चुअली इट इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ जी मास्टर लेंस कैन ऑफर। तो अभी ऑफिस आए हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए, वो सब होगी, अभी फोटो वोटो लेंगे फिर भागेंगे, क्योंकि आज हमें जाना है इवेंट के लिए। यस, आज रात को इवेंट के लिए जाना है। A few minutes later. चलो घर पहुंच गए, हमारी कैब भी आ गई यहाँ पे, इनोवा। बेसिकली सीन यू है ना, बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है आज नेफ्यू की, हम भाग रहे हैं कैमरा लेके क्योंकि हमें फोटोज करने, लेकिन इसमें चार्ज नहीं है बैटरी बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी चीज क्या पता है, इसका जो कार्ड है ना वो मैंने अपने पैनासोनिक कार्ड लगा के डाला है, कुछ काम नहीं करने वाला, कुछ रिकॉर्ड नहीं करने वाला, फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं। चलो ये देखो कौन ऐसे करता है, भागो भागो भागो। मुंबई में फुल ऑन सेलिब्रेशन चालू क्रिसमस की, देखो तो बेसिकली मैं आया हूँ हुंडई आयोनिक 5 इंडिया अनवील, जो ये ताजमहल होटल के सामने गेटवे ऑफ इंडिया पे हुआ है। आपने अभी अभी देखा प्रोजेक्शन गेटवे ऑफ इंडिया पे, बहुत ही सेक्सी और लाजवाब था। एंड इसमें से जो 8 प्रोजेक्टर्स में से 3 प्रोजेक्टर्स एक्चुअली ये गाड़ियां पावर कर रही है व्हीकल टू लोड से, तो ऑब्वियसली 2-way इट कैन पावर। एंड कार्स लुक रियली वेरी नाइस, मुझे आयोनिक बहुत ज्यादा ही पसंद है, आयोनिक 5 आई थिंक इट इज द बेस्ट, इनफैक्ट मुझे EQS से ज्यादा पसंद है, यू कैन इमेजिन हाउ गुड इट इज। बहुत ही सही शो था, बहुत ही लाइक हुंडई ऑलवेज गोस लाइक क्रेजी। वो दिख रहा है गाड़ी प्लग इन है एंड यहाँ से इट इज सेंडिंग पावर ऑल द वे हियर, अमेजिंग। ये देखो इंटीरियर भी देख लो, ऑलरेडी इसको हम शूट कर चुके हैं अच्छे से, लेकिन इसमें सनरूफ भी है और आई थिंक ये कंट्रोल्स उसमें थे कि नहीं याद नहीं है मुझे। व्हाट अ ब्यूटीफुल होटल ताज, कितना सेक्सी बनाया, कितना महंगा होगा सब कुछ। तो फाइनली रात के ऑलमोस्ट 12 बजे हम घर पहुंचे हैं। अभी टियागो ईवी का वीडियो मुझे एडिट करना है जिसमें ऑलमोस्ट 1-2 घंटे लगेंगे। कल सुबह गाड़ी आ रही, बहुत इंटरेस्टिंग, यू कैन नॉट मिस इट, सुबह 9 बजे। तो पता नहीं रात को क्या सोने वाले आज। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सिर्फ 3 घंटे सोया हूं मैं, और सबसे पहले इसको निकालेंगे, इस कार को प्यार से रखेंगे नीचे, एक रीजन है उसका बाद में बताऊंगा। वो दूसरी गाड़ी आ गई, पहले इसको हटा दे फिर बात करते हैं उसकी। और गाड़ी आ गई, ये है रेंज रोवर स्पोर्ट, नई रेंज रोवर स्पोर्ट। हाँ मैं वॉक अराउंड के लिए नहीं गया, लेकिन कार हमारे पास आ गई, तो हम जल्दी से आज इसका शूट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा राउंड मारूंगा, पार्क करूंगा, ऊपर जाऊंगा, वीडियो शेड्यूल करूंगा, वो जब सब काम है वो पहले फिनिश करेंगे, फिर जाके शूट करेंगे हमारे नए कैमरा से। आज बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो हम ऑलरेडी ड्राइव पे आ गए, ट्रस्ट मी इसकी जो साउंड है कितनी स्वीट है। इनफैक्ट थोड़ा स्लो करेंगे और हम करेंगे इसको डाउन शिफ्ट, स्पोर्ट मोड में तो है गाड़ी, सुनो भी। हाँ ऑफ कोर्स इसको और सिलेंडर जरूर चाहिए, बट रेंज रोवर के सामने ये गाड़ी काफी ज्यादा टाइट फील करती है, स्टीयरिंग ना मतलब बिल्कुल लूज नहीं है, एकदम काफी टाइट है। वापस पूरा पढ़ना पड़ेगा गाड़ी के बारे में, बिकॉज हम भूल गए रेंज रोवर को, कम्प्लीटली भूल गए। तो यूजुअली लैंड रोवर गाड़ी 2 दिन के लिए देता है, मतलब आज से कल तक 24 घंटे समवेयर अराउंड दैट, ताकि आप नाइट में भी थोड़ा बहुत इंप्रेशन ले लो लाइट्स वाइट्स के वगैरह वगैरह वगैरह। बट अनफॉर्चुनेटली कल मुझे ट्रैवल करना है, तो मैं कल नहीं शूट कर पाऊंगा कुछ, मैं सुबह जल्दी निकलना है और हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम बहुत दिन से नहीं गए, बहुत सालों से नहीं गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पूरा शूट हम खत्म कर देंगे। इनफैक्ट मुझे क्या टाइम क्यों नहीं बताती कि घड़ी, अरे इसकी तो बैटरी गुल होगी अनफॉर्चुनेटली। एनीवेज ही क्या अनफॉर्चुनेटली करता रहता हूं मैं। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे जल्दी से घर और शेड्यूल करेंगे वीडियो, क्योंकि आज के दोनों वीडियो शेड्यूल नहीं किए, दोनों 10 बजे जाने वाले हैं आज, क्योंकि एम्बार्गो वेम्बार्गो की बकचोदी होती है। यहां पे कुछ इतना मतलब मजेदार मामला नहीं है, क्योंकि रेंज रोवर में तो ऑब्वियसली अलग ही सीन है, पैनोरामिक रूफ है, ये नया मटेरियल यूज किया है, सनब्लाइंड्स भी मैन्युअल है बताओ, बट इसकी प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है। चलो चलते हैं, फट निकलते हैं, काफी सारा काम करें, कैमरा सेटअप करने में बहुत टाइम लगेगा। Minutes later. वो देख रहे हो मर्सिडीज़ A-क्लास को क्या बना के रखा है भाई, तू SUV ले लेता, GLA ले लेता, GLA बनाने की क्या जरूरत थी खरीदने के बाद गाड़ी। गाड़ी बहुत ही मस्त है, नो डाउट अबाउट दैट, बट बहुत ही ज्यादा महंगी है, मतलब हद से ज्यादा महंगी बना दी इन लोग ने। क्या कैमराज है, लाजवाब, देखो ना सेक्सी एकदम। बट इशू ये हो रहा है कि हमें नाइट शॉट लेने बाकी हैं और
कुछ सोशल गैदरिंग में जाना है और एडिट करना है और पैकिंग करनी है, मतलब आज भी वाट बस हवा निकल गई। गुड मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रही है। सो यानी रात को पैकिंग वैकिंग सब लास्ट मोमेंट, फुटेज ट्रांसफर वगैरह, हम जाने आज बहुत ही अनोखी जगह। गाड़ी आई है CNG, लेकिन उसमें कैरियर है इसलिए ऊपर सूटकेस बैठ सकता है, आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे देखो हेलो लखनऊ, और लखनऊ एयरपोर्ट पे हमारी गाड़ी आ गई। नहीं ये नहीं, ये वाली लेजेंडरी एस्प्रेसो, मैंने एक्चुअली रेंट पे ली है एस्प्रेसो, क्योंकि चिंटू विंटू है ना तो कहीं में घुसा लेंगे। ये रेंटल कार एकदम एकदम उरुस जैसी लग रही है, मजा आ गया। तो बेसिकली लखनऊ में लोग कैसे भी चलाते हैं, कोई कैसे, मतलब देयर नो रूल्स, और हॉर्न कितना ज्यादा करते हैं ना, पूरे टाइम कोई ना कोई हॉर्न बजाते रहते हैं। मुझे लगता है मनोरंजन के लिए बजाते रहते हैं, देखो बस चलता ही रहता है, तो मुझे लगता है वो खेल होता है। शायद ये लोग जादू से बात करना चाहते हैं बार बार ऐसे करके, जादू। तो बेसिकली मैं नानी के घर आया हूँ बहुत ही साल बाद, 5 साल हो गए, लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग बनाया था, इंग्लिश चैनल पे जाके देख लो। और शादी है तो यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन चल रहा है घर में, गोभी बन रही है, गोभी हमें बिल्कुल पसंद नहीं, बट क्या बोलूं मैं अब। तो बेसिकली ये गैराज होता था, और ये है मेरे मामा की हीरो होंडा CD100 ओरिजिनल जापानीज मॉडल, जिसकी बैंड बच चुकी है। और ये मेरे खालू की बजाज चेतक स्कूटर है, इस पे मैं ब्लॉग बनाऊं क्या। और यहाँ पे देखो ऐसे लग रहा है हुंडई का स्टॉक यार्ड है, मैं जो सोचा था वो सच निकला, क्योंकि देखो अंदर हुंडई ही हुंडई गाड़ियां हैं। आई थिंक ये सेकंड हैंड कार्स का स्टॉक यार्ड है, पूछ लो जाके क्या है। हाँ अरे देखो ना, वेन्यू खड़ी है, वरना खड़ी है, सब हुंडई खड़ी है। हाँ देखो क्रेटा क्रेटा वेन्यू सब कुछ। कम अगेन, व्हाट आर यू सेइंग? कहां कल मैं रेंज रोवर चला रही थी और कहां ये? वेलकम टू मदर अर्थ। क्या बोला तूने? तो चलो हमने होटल में चेक इन कर लिया है, क्योंकि हमें एडिट वेडिट काम वाम करना है जो हम शादी के घर में कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं बैठूंगा, एडिट वेडिट करूंगा और आराम भी कर पाएंगे, वरना गॉसिप वॉसिप के चक्कर में काम नहीं हो पाएगा पूरा। यहाँ पे व्यू क्या है वो तो देखें। चलो ये एक थोड़ा एरिया लखनऊ का जो थोड़ा खाली, अदरवाइज तो इतना ज्यादा हॉटस्पॉट है ये। क्या बोल रहा है, उबला हुआ अंडा मांग रहा है। 2-3 घंटे सोने के बाद फाइनली रेडी। लखनऊ में अलग ही टच है, फॉर्चुनर एंडेवर, और उस एंडेवर की व्हील्स देखो बड़ी वाली, और हमारी आ गई उरुस। अब मेरे शूज में मैं चला नहीं सकता ठीक से, इसलिए नुरेन मैडम चलाएंगी। रामलाल, अरे क्या क्या करूं मैं इसका, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। The next day. सुबह के 10 बज गए हैं, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आज हम जो रीजन से आए हैं लखनऊ वो एक चीज खाने, वहाँ पे हमको लेके जाऊंगा। बहुत ही मतलब छोटी सी एरिया है, बट ना जवाब। बाहर ठंड नहीं हो रही क्योंकि ये लेजेंडरी कार जो खड़ी है इतनी हीट प्रोड्यूस करती है, इतनी हॉट है। अच्छा कुछ तो सीन चल रहा है, लगता है कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी रोड ब्लॉक करके रखी है, अभी सब वेट करें इंतजार में। क्या बॉलीवुड का कोई सुपरस्टार आ रहा है, अलग ही सीन है। इंडिया में जो इम्पोर्टेंस दी जाती है ना पॉलिटिशियंस को, क्या बताऊं। देखो वहां से आ रही है 2-3 सुमो निकली, वहां पे बोलेरो निकली वगैरह वगैरह, अब एक जिप्सी निकली। पता है यही इशू है जिसकी वजह से बहुत पब्लिक इनकन्वीनियंस होती है, जबकि अब्रॉड ऐसा कुछ नहीं होता, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती पॉलिटिशियंस को कि जिसकी वजह से पूरी सड़क ही बंद कर दी जाए। अब आ रही है मजेदार सफारी, ओ माय गॉड, सब सफारी तो ये लेके बैठे हुए, एक सफारी, दो सफारी, तीन सफारी, चौथी सफारी, ओ माय गॉड, ये तो सफारी ही सफारी। बीच में एक स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर स्टील व्हील्स के साथ, ये कैसे हो गया, और कितनी सारी फॉर्च्यूनर, कितनी सफारी, पागलपन है ये तो। और पीछे एक वो आ रही है फर्स्ट टेम्पो ट्रैवलर इनोवा, सोचो कितनी सारी गाड़ियां यहां पे, तो 3-4 करोड़ की गाड़ियां मैंने ऐसी देख ली सिक्योरिटी फ्लीट में, इससे बेटर है इनको हेलीकॉप्टर दे दो ताकि ये भी टाइम पे पहुंचे, रोड को इनकन्वीनियंस ना हो, इनका भी टाइम बच जाए, पब्लिक का भी टाइम बच जाए। और वो देखो इनोवा आ रही है, बीच में सियास क्या कर रही है, एक और इनोवा, ये सब करने के लिए देखो कितने लोगों यहाँ पे रोक के रखा है, ये तो मतलब ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं, और काफी जगह कितने लोगों को रोक के रखा होगा अभी भी क्लियर नहीं हुआ। भाई ये वीडियो खत्म ही नहीं होगा अगर मैं इसको अभी बंद ना करूं, क्योंकि ये PIP मूवमेंट के चक्कर में बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होता है इंडिया में। वो निकली, अरे ये तो रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों चल रही इनोवा, सब चलता है भाई सब चलता है। ये मेरा इंडिया। अभी हम एक्चुअली जा रहे हैं एक्सप्लोर करने लखनऊ। एनीवेज तो ये हम जो फ्लाईओवर पे है ना उसका नाम है बटर फ्लाईओवर, एंड द आयरनी इज यहाँ पे इतने एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, मतलब बटर स्मूथ तो है ही नहीं है बिल्कुल। मैं भी जो बोली वही डायलॉग वापस से बोलो, और ले लो TRP सारी, ले लो। आई एम सॉरी बाबू। ऊपर दिख रहा है कितने जाले लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ सफाई होती नहीं है। जब तुमने वीडियो स्टार्ट किया तब तक जाले खत्म हो गए। हाँ यहाँ पे आते पूरे जाले खत्म हो गए। A few minutes later. अलग लेवल कमोशन है यहाँ पे, मैं आया हूँ कुछ खाने, और ये मतलब हर जगह से लोग कूद पड़, अरे भैया रुक जाओ हमें जाने दो, तो एकदम पागलपन है, ऐसा अनऑर्गेनाइज ट्रैफिक मैंने कहीं नहीं देखा। मुश्किल से एस्प्रेसो को कहीं तो सॉरी उरुस को कहीं तो पार्क किया है, लेकिन पूरी खिचड़ी हुई हुई है। थोड़ा ऑर्गेनाइज करो यार भाई, पार्किंग वार्किंग बनाओ। ग्रिल चटनी
चटनी इसके साथ बढ़िया लगेगी, पेट भी बढ़िया खराब होगा चटनी के साथ। अच्छी बात ये है अभी 5G इंटरनेट मिल रहा है, होटल में कुछ नहीं मिलता, जहाँ पे काम कर सकते कुछ मिलता ही नहीं। यहाँ पे देखो A6 है घंटा, मुझे कुछ भूख भूख नहीं लगी थी। हमारी प्यारी सी एस्प्रेसो यहाँ पे खड़ी, सॉरी उरुस। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ तो आए रिट्स बिट्स करने, चाट वाट खाने, मतलब खाने का मन बिल्कुल नहीं, दोपहर का खाने नहीं हजम हुआ। सबसे खास बात यह है कि नूरेन ब्लॉगिंग करने गए तो हम सब खा जाएंगे खुद ही अकेले अकेले। देखो वहाँ पे मैडम जगह बॉम्बे में भी है, इसको बोलते हैं शिव सागर। हम लोग लखनऊ में SUV से कितना प्यार है, ब्लैक स्कॉर्पियो, ब्लैक एंडेवर, ब्लैक हेक्टर, चलो वो तो SUV नहीं है बट स्टिल ये देखो एंडेवर क्या मस्त लग रही है बड़े चक्कों के साथ। जो रियल SUV वो तो अभी यहाँ पे दिख नहीं रही, हमारी वाली उरुस निकाल रहे हैं वो लोग पार्किंग से, उसको ना स्पेशल पार्किंग लगते हैं बिकॉज क्या ना महंगी गाड़ी है ना तो कुछ चोरी वोरी ना हो जाए। ये देखो फॉर्च्यूनर पे भी मस्त मॉड्स करके बैठे हुए, ये अच्छा है यहाँ पे बहुत सारे मॉड्स वॉड्स करके रखे हैं, लुक्स क्वाइट नाइस। एंड ये देखो व्हील्स सही लग रहे हैं, अगर आपको लगता है यही एक एंडेवर एक और है वहाँ पे खड़ी हुई वो रही। नूरेन यहाँ पे वॉकिंग करें, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, वो आ गई हमारी उरुस वर्ल्ड कैप्सूल। अभी मुझे चुपचाप से बैठ के ना लेफ्ट साइड में बैठना है ताकि नूरेन चलाएगी ये ब्यूटीफुल कार, लेट्स गो। इसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, हाँ अभी खोले। लेटर दैट सेम इवनिंग, ये मैंने अपनी शादी में पहना था, अभी फिट नहीं आ रहा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं शादी में और नूरेन को देखो फुल डेडिकेटेड व्लॉगिंग व्लॉगिंग भी कर रही है, क्या बात है। और हमारा हुलिया आज बहुत ही अजीब है, हमारी उरुस चाबी क्योंकि बैल यहाँ पे नहीं मिला हमें। तुम जिस रीजन से आई हो वो रीजन रेडी है, खाना तो यहाँ पे पानी पूरी है, यहाँ पे पता नहीं अंकल भैया क्या बना रहे हैं, दाल समथिंग समथिंग या एंड ओके टिक्की भी है, क्या बात है। मतलब सफल हुआ हमारा आज यहाँ पे आना क्योंकि हम तो खाने आए हैं। अरे ये तो मेन्यू इतना ज्यादा है शायद बटन खोलने पड़ेंगे मुझे, ना खा नहीं पाऊंगा पूरी तरीके से। पहली शादी में ऐसे देखा कि हुक्का बुक्का हो रहा है, बताओ तो हम ड्राइव पे जाएंगे इस सेक्सी कार में। क्रिसमस की प्रिपरेशन चल रही है होटल में, क्या बात है। ज्यादा खा लिया ना शादी में पूछो ही मत। एंड कल का खाना आज से बेटर था, सो दैट्स द स्टोरी ऑफ टुडे, सिंपल। ये नहीं पहनना चाहिए सूट यार, पेट मतलब खाना नहीं ठूस पे अंदर। बहुत ही गंदा तालाब है, मतलब नाला लग रहा है मुझे। आज मंडे है फिर भी इतना ज्यादा क्राउड है। समोसा तो वड़ा पाव के शेप में मिलता है यहाँ पर, कितना कमोशन है पार्किंग का। यहाँ पे भाई साहब पाकर के चले गए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।